हाय गाइस, ये देखिए ये सरिये हैं जो हम इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। देखिए, एक नॉर्मल सी ड्राइंग कर लीजिए, जो साइज आपको लेना है वो आप उसकी ड्राइंग कर लीजिए। ये इजी पड़ेगा हमें स्कल्पचर बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने ये नॉर्मल सर एक बेसिक ड्राइंग किया है, कोई ख़ास नहीं है। तो बीच की पार्ट के लिए हम ऐसे सरिया यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कर्व करके बीच के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लेग्स के लिए हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इसको इसलिए दोनों साइड का आ जाएगा, और नीचे की टांगों के लिए हम ऐसा ही यूज़ कर लेंगे। सॉरी, ये मैंने एक ड्राइंग को शो करने के लिए थोड़ा वीडियो को नेगेटिव कर दिया है, ताकि वो धूप ज़्यादा हो रही थी तो ड्राइंग नहीं दिख रही थी, इसलिए। देखिए, ऐसे हम लकड़ी में नीचे ठोक लेंगे उनको दोनों को, और यहाँ बीच वाला और यहाँ आगे टांगे लगा लेंगे, और ये कुछ ऐसा दिखेगा बाद में। और इसको मैंने बीच में होल्ड किया है रेजिन के साथ। वैसे मैंने सरिया पे आप कुछ भी लपेट सकते हैं, मोटा सा वायर लपेट के रोक सकते हैं, वेल्डिंग करके भी रोक सकते हैं आप चाहें तो, बट मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसको चिपका के ये रोक दिया। पहले मैंने इस पर वाइंडिंग वायर लपेटा था, और बाद में आप इस पर ना ये रस्सी लपेट लें। रस्सी लपेटने के बाद कुछ ऐसा देखेगा, पूरे पर रस्सी लपेट जाएगी। तो रस्सी हम इसलिए लपेटते हैं ताकि क्ले पकड़ ले अच्छे से, क्ले को पकड़ ले ये रस्सी और ये सरिया। तो हम इस पर क्ले लगा देंगे धीरे धीरे करके पूरे पे। आप पूरे पे क्ले लगाते जाएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक चीटी का बेसिक शेप दिख जाएगा। तो आप ऐसे क्ले अप्लाई कीजिए सबसे पहले अपने चीटी पर, स्कल्पचर पर। और यार प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। धीरे धीरे आप उसको अच्छे हाथों से दबा दबा के प्रेस करके मिट्टी को यूज़ कर लीजिए। ये एक वाइट मिट्टी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। नदी के किनारे पे जो मिट्टी मिलती है वो बेस्ट होती है स्कल्पचर के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं आप, ईजी, ज़रूरी नहीं है आप यही बना रहे हैं। बस मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। ये एक्चुअल साइज से थोड़ी बड़ी चीटी बना रहा हूँ मैं। इसको ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं इस पर, जैसे मैंने आपको ड्राइंग दिखाई है ना जो पेपर पे की थी, वैसे ही उसी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं क्ले चढ़ा रहा हूँ, और ड्राइंग की वजह से ये बहुत इजी पड़ गया है। अगर ड्राइंग आपको नहीं करनी है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा के उसी साइज़ का, और उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप सरिया मेज़र करके आर्मेचर बना सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे चीटी का शेप निकल रहा है। बीच में जो उसका पार्ट होता है वो है, ऊपर उसका हेड होता है, बीच के पार्टों से उसकी लेग्स निकलती हैं। और जितना अच्छे से आप लगाएंगे आपका स्कल्पचर उतना ही अच्छा दिखेगा। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि मैं आगे ऐसी चीज़ शो करने जा रहा हूँ जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। अगर मेरा चैनल ग्रो हो गया तो मैं आपको वो दिखाऊंगा जो आप हमेशा सोचते होगे कि हाँ ये ऐसे होता है, किसी को नहीं पता वो कैसे बनता है, बट वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक सरप्राइज़ है वो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, मेरा चैनल थोड़ा चला तो आप सब देख पाएंगे, अगर नहीं चला तो ऑटोमेटिकली मैं नहीं कर पाऊँगा। आगे देखिए, मैंने उसके जो चीटी के आगे जो होते हैं उसका मुंह होता है शायद, जो वो होता है वो ऐड किया है। और अब एक आरी का ब्लेड होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में है अभी। इससे ना जब हम क्ले पे इसको रब करते हैं तो जो गड्ढे होते हैं और हर चीज़ होती है वो सब ना आराम से भर जाती है और बैलेंस हो जाता है वो पार्ट। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बस देखते रहिए, बिना स्किप किए। रोल बना बना के आप मिट्टी को अप्लाई कर सकते हैं। रोल इजी पड़ता है, और रोल ही बनाना चाहिए। और आप एक इमेज ले सकते हैं चीटी की स्टडी करने के लिए।
if you want. Your choice is that. This is the real power of clay, and I will show you exactly the real power of clay in future. क्ले कोई नहीं, नॉर्मल चीज नहीं है. जस्ट आप अपना प्यार देते रहें और मैं आपको क्ले की शक्ति दिखाता रहूंगा कि क्ले क्या कर सकती है. ये देखिए, ये कारी का ब्लेड है. इसको इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से क्रॉस हैच कर करके, तो ये बहुत बैलेंस हो जाएगा. हर जगह के गड्ढे भर जाएंगे और जहाँ उल्टी चीज़ें उल्टा अप डाउन होता है वो भी बैलेंस हो जाएगा. मैं धीरे धीरे सब कर दूँगा, आप देखते रहिए. अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ आप स्किप मत करना, बट पूरा वीडियो देखना. मैक्सिमम ये 11 मिनट के अंदर ही अंदर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं. बट आप ये मत सोचिए कि इसको बनाने में 11 मिनट लगा है, इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगा है. बस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया, इसीलिए टाइम का उसमें पता नहीं लगता. कुछ पार्ट स्किप भी हो जाते हैं बनाते हुए. बहुत अच्छे से स्मूथ कर लें उस पार्ट को जहां पर भी आप क्ले लगा रहे हैं. जो क्ले आप ऊपर से ऐड करते हैं उसको मर्ज जरूर कर दें. उंगली से रब करके आप उसको मर्ज कर सकते हैं. और ये एक वाटर बेस्ड क्ले है, तो वाटर बेस्ड क्ले को हम पानी से ही स्मूथ कर सकते हैं, और पानी ही इसको स्मूथ करता है. और आप इसको पानी देते रहेंगे तो ये सही रहेगा, अदरवाइज ये क्रैक होने लगेगा ड्राई होने के बाद. ये मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्ले ऐड कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ. नेक्स्ट वीडियो मेरा ये बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा. बस प्लीज आप सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब कर ही देना प्लीज. और अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने बच्चों, सबको ये शेयर करें, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि ये मिट्टी जो होती है ये क्या करती है. ये एक आर्ट है, और आर्ट की कोई सीमा नहीं होती. ये इसकी मूंछों के लिए मैं सरिया ऐड कर रहा हूँ. जो एक मूंछें होती है ना इसके पे, वो थोड़ी और बड़ी होती हैं. वो मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, बट ये ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं कर रहा हूँ. आप चाहें तो ज़्यादा बड़ा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आर्मेचर से भी ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, बट मैं ऊपर से ही ऐड कर रहा हूँ. आर्मेचर पे भी आप ऐड कर सकते हैं. और इस पर आप क्ले अप्लाई कर ले. ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, इसीलिए मैं इस पर रॉप का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मोटा हो जाएगा उससे. ये
पतला होता है, इसलिए हम बिना रॉप का वायर यूज़ कर रहे हैं। अभी जस्ट ये क्ले मॉडलिंग है। अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं इसका मोल्ड और कास्टिंग भी आपको दिखा दूंगा कलर के साथ कि मोल्ड। वैसे मैंने मोल्ड और कास्टिंग की वीडियो कुछ पहले ही अपलोड कर दी है, आप वो देख सकते हैं। बट इसके लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये देखिए, ये बन चुका है ऑलमोस्ट, और आपको बाद में मैं दिखा दूंगा कंप्लीट।